मेयर हैं अभिलाषा नंदी। नंदी जी ने हमारे भाई से करीब 5 करोड़ रुपया उधार लिया था और जब हमारे भाई साहब सांसद जी गए जेल में तो ना वो उनका हम अपनी भाभी शाइस्ता परवीन के साथ गुजरात अपने भाई से मिलने गए थे तो भाई साहब ने यही कहा था कि शाइस्ता नंदी से हमारा उधार पैसा मंगवा लो। हम और शाइस्ता परवीन साथ गए थे तो भाई साहब ने मेरे सामने यही कहा था कि शाइस्ता नंदी से हमारा पैसा मंगवा लो। नंदी जी ना तो हमारा फ़ोन उठा रहे हैं ना हमसे बात हो पा रही है। तो जब ये मेयर घोषित प्रत्याशी मृत मेयर प्रत्याशी घोषित हुई जब से इन्होंने बसपा ज्वाइन किया है तब से जो अभिलाषा नंदी है वो ये नहीं चाह रही है, जो 10 साल से यहाँ पर मेयर है वो किसी तरह नहीं चाह रही कि शाइस्ता परवीन मेयर के लिए इलेक्शन चुनाव लड़े, क्योंकि जिस तरह से उनको समर्थन मिल रहा है कंपेन में वो जा रही हैं, करीब 2 महीने से जा रही हैं शाइस्ता परवीन। भाइयों हमारी आवाज़ आप लोग को ठीक से जा रही है? तो जिस तरह से वो करीब 2 महीने से प्रशासन प्रचार के लिए जा रही हैं, उनको दलित बस्तियों में बहुत बहुत दयनीय स्थिति में वो जिस तरह से महिलाओं से मिल रही हैं, आप लोगों के चैनल के माध्यम से ही हमने उनको देखा है कि उनको कितना सपोर्ट मिल रहा है। तो जो 10 साल पूर्व जो 10 साल से रह रही है मेयर वो किसी तरह नहीं चाहती कि शाइस्ता परवीन फाइट में आए, और इसीलिए हमारी भाभी को फंसाया गया कि साजिश में थी। आप लोग जाके देख सकते हैं भाइयों, उनके घर का एक बाहर का रास्ता है जीना, एक बाहर का जीना है जिससे उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए ट्यूटर जाया करते थे और बच्चों के दोस्त जाया करते थे। हमारी भाभी को अंदर रहती थी या कंपेन में चली जाती थी नीचे, और ऊपर की जीना अलग है, बाहर से एक है एक अंदर से है। तो मेरी भाभी को नहीं पता होता था कि मेरे बच्चों के पास कौन दोस्त है बाबा रहे हैं शाइस्ता परवीन को, और उनको इस साजिश में। आप लोग बताइए कोई महिला घरेलू महिला साजिश में होती है किसी कांड में, वो भी इतने बड़े चर्चित कांड में? सर हमको टॉर्चर यही किया गया कि तुम्हारे भाई बचेंगे नहीं, इनकाउंटर कर दिए जाएंगे, पूरे दावे से वो लोग हमसे बोल रहे थे, अमिताभ यश जी और ये श्री। सर हम कैसे रह सकते हैं, हमारे बच्चे हमारा घर परिवार एक तरफ, हमें अपने भाइयों की जान की चिंता है। सर इस घटना में किसकी साजिश लगती है आपको? सर हम कुछ नहीं जानते किसकी साजिश है, पैसा लिए और वो क्या इस घटना में अधिक जो आपके भाई है और जो असद का नाम आ रहा है, क्या असद है उसमें आपकी किसी से बात हो पाई? सर 4 दिन से मैं बता रही हूँ, हम लोग को 4 दिन से वहाँ रखा गया था, हमारी भाभी से भी कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया सर। नहीं 24 फरवरी को असद था वहाँ पर, हम नहीं थे वहाँ पर। ये आपने फुटेज देखा जो दिख रहा है, वो असद बताया जा रहा है, वो असद है सर? हमको किसी तरह का न्यूज़पेपर तक वहाँ नहीं दिया गया था। हम आप बाहर आने के बाद तो देखा होगा टीवी चैनल बाकी, तो उसमें असद है जो फुटेज में दिख रहा है, वो असद है या नहीं है आपको क्या लग रहा है? हमारे ऊपर इतना दुख पड़ा है, हमारे सारे मकान गिराए जा रहे हैं, हमारे बच्चे घर से बेघर हैं, 4 बच्चे हमारे 10 दिन से पता नहीं कहाँ थे, 2 भतीजे हमारे, हम लोग को पता ही नहीं था। आप लोग कैसा सवाल सर, जो हमसे बता सकते हैं वो हम बता रहे हैं आप लोगों से। मैंने पेपर नहीं देखा, हमारा कुछ जानकारी हमने आप सबके चैनल पे से, हमारी बच्ची ने कुछ न्यूज़ दिखाया था, मुझसे कुछ न्यूज़ वूज कुछ नहीं सुनी जा रही। सर हम रास्ते में तो ये आया कि शाइस्ता परवीन गिरफ्तार हो गई हैं, जबकि 4 दिन तक उनका पता ही नहीं था।